हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएन शर्मा, माय सेल्फ नितिन कुमार। हम कर रहे थे एप्टीट्यूड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम था एवरेज। एवरेज ठीक है, इसके हमने चार पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, आज हम करेंगे इसका पार्ट फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ पार्ट आज हम करेंगे। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है टॉपिक एवरेज रिलेटेड टू स्पीड। ठीक है, एवरेज रिलेटेड टू स्पीड। ठीक है, एवरेज रिलेटेड टू स्पीड हम करेंगे। इसमें हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम के बेसिस पे ही हमारे पास डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे हमें। थ्योरम क्या कहती है, इफ ए पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ एक्स किलोमीटर पर आवर एंड द सेम डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ वाई किलोमीटर पर आवर देन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी इज गिवन बाय। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक पर्सन है, मान लो यहां से चलता है पर्सन यहां तक, ठीक है, तो ये चल रहा है एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, यहां से चलता है सेम डिस्टेंस, जितना यहां से यहां तक चला था उतना यहां से यहां चलता है, वो चलता है वाई किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, वाई किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, तो इसमें बता रहा है द एवरेज स्पीड, जो एवरेज स्पीड है होल जर्नी की वो कितनी होगी। तो जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड किसकी, होल जर्नी की, होल जर्नी की, होल जर्नी की एवरेज स्पीड अगर हमने निकालनी है, दैट मीन्स यहां से लेकर यहां तक पूरी जर्नी की, इसकी जो एवरेज स्पीड हम निकालें तो वो किसके बराबर होगी, 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर के बराबर। ठीक है, अगर कोई हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन आए कि एक पर्सन है जो कुछ डिस्टेंस चल रहा है, मान लो यहाँ से यहाँ तक चला x किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी, फिर यहाँ से यहाँ तक चला जिसकी स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उसकी अगर हमने पूरे जर्नी की एवरेज स्पीड निकालनी है तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसका सिंपली फार्मूला है 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। ठीक है, x क्या होगा, स्पीड होगी, y भी क्या होगा, स्पीड होगी, इसकी वैल्यूज दी होंगी, इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम इस फार्मूला में पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों सेम होंगे। मान लो अगर ये 5 मीटर डिस्टेंस है तो ये भी 5 मीटर ही डिस्टेंस होगा, ये मान लो 10 किलोमीटर है ये भी 10 किलोमीटर ही डिस्टेंस होगा। ठीक है, तभी ये फार्मूला इस पे वर्क करेगा। ठीक है, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं, इफ द हाफ ऑफ द जर्नी इज ट्रेवल्ड एट ए स्पीड ऑफ एक्स किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट हाफ एट ए स्पीड ऑफ वाई किलोमीटर पर आवर देन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी, एवरेज स्पीड जो होगी होल जर्नी की वो कितनी होगी, ये वाली सेम चीज है, यहाँ से पर्सन चल रहा है सेम डिस्टेंस यहाँ तक चला उतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक चलेगा, तो ये चला एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये चला y किलोमीटर पर आर की स्पीड से। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि इस होल जर्नी की हमने क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी, तो वो सेम फार्मूला है 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ ए मैन गोज टू ए सर्टेन प्लेस एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आर एंड रिटर्न्स टू द ओरिजिनल प्लेस एट ए स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आर देन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द अप एंड डाउन जर्नी इज। ठीक है, तो सेम ये वाला भी ऐसे ही है, मान लो कि एक पर्सन यहाँ से चल रहा है यहाँ आ गया तो इसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहाँ से वापस आया, ये वापस आते टाइम इसकी स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसकी हमने निकालनी है होल जर्नी की एवरेज स्पीड निकालनी है, दैट मीन यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ की एवरेज स्पीड निकालनी है, तो वो किसके बराबर होगी, वो होगी हमारे पास 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई के बराबर, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर भी आएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पे हम नोट देख लेते हैं, इन ऑल द अबो थ्री केसेस द टू पार्ट्स ऑफ द जर्नी आर इक्वल। तो अबो केसेस में यहाँ पे डिफरेंट मतलब सेम चीज क्या है कि जो दो पार्ट हैं वो क्या है, इक्वल होने चाहिए, टू पार्ट्स जो है जर्नी के वो इक्वल होने चाहिए, जैसे यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इसका भी होना चाहिए, सेम यहाँ पे भी जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है उतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक भी होना चाहिए। ठीक है, तभी हम ये फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, सेकंड थ्योरम,
इफ ए पर्सन ट्रेवल्स थ्री इक्वल डिस्टेंसेस, ठीक है। पिछली वाली थ्योरम में थे हमारे पास टू इक्वल डिस्टेंसेस, इस वाली थ्योरम में हमारे पास है थ्री इक्वल डिस्टेंसेस, थ्री इक्वल डिस्टेंसेस, ठीक है। एट ए स्पीड ऑफ एक्स किलोमीटर पर आर, वाई किलोमीटर पर आर एंड जेड किलोमीटर पर आर, ठीक है। देन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी इज, ठीक है। इसमें क्या हमारे पास है, ये यहाँ से यहाँ तक चला, इसकी स्पीड थी एक्स किलोमीटर पर आर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक चला, सेम डिस्टेंस है वाई किलोमीटर पर आर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक चला, सेम डिस्टेंस है जेड किलोमीटर पर आर स्पीड है, ठीक है। तो इसकी जो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड जो होगी होल जर्नी की, होल जर्नी की, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा चला, इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है हमने, वो होगी हमारे पास थ्री एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो एक्स की जगह पे कुछ वैल्यू होगी, वाई की भी जगह पे कुछ वैल्यू होगी, जेड की भी जगह पे कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड फार्मूला है, ठीक है। तो इसका प्रूफ भी दिया हुआ है, इसको हम ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, इसको प्रूफ को करने की इतनी जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो प्रूफ में है, लेट द थ्री डिस्टेंसेज बी ए, मान लेते हैं कि जो थ्री डिस्टेंसेज हैं वो एक किलोमीटर के बराबर है। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक मैंने डिस्टेंस चला, ये ए है, यहाँ से यहाँ तक चला, ये भी ए है, और यहाँ से यहाँ तक चला, ये भी ए है, ठीक है। टाइम टेकन एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर टाइम, ठीक है। तो टाइम कितना लगा, टाइम हम बोलें x किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगा, जैसे ये है x किलोमीटर पर आवर, ये है y किलोमीटर पर आवर, ये है z किलोमीटर पर आवर। तो x किलोमीटर चलने के लिए टाइम कितना लगा, टाइम हमारे पास होता है डिस्टेंस बाय, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। क्योंकि हमारे पास स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो अगर हमने टाइम निकालना है, टाइम इधर चला जाएगा, वो स्पीड नीचे आ जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम बन जाएगा। डिस्टेंस कितना है ए, बाय टाइम कितना है टाइम, डिस्टेंस बाय सॉरी स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड कितनी है एक्स, ठीक है। उसके बाद टाइम निकालना है हमने वाई किलोमीटर पर आवर का, ये था एक्स का, वाई का निकालना है तो वो निकल जाएगा ए बाई वाई, जेड का निकालेंगे वो बन जाएगा ए बाई जेड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया टाइम में वो हम करेंगे, दैट मीन्स ए बाई एक्स प्लस ए बाई वाई प्लस ए बाई जेड इक्वल टू थ्री ए किलोमीटर के बराबर, ठीक है। देन हम निकालेंगे एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी, एवरेज स्पीड निकालेंगे होल जर्नी की। तो एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है, हमें पता है कि जो एवरेज होती है किसके बराबर होती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, ठीक है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और टाइम कितना लगाया है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, ए प्लस ए कितना हो गया थ्री ए बाय टाइम, टाइम कितना लगाया, डिस्टेंस बाय हमने टोटल डिस्टेंस कितना चला कितने टाइम में, ये आ गया हमारे पास ए बाई एक्स बाय ए बाई वाई प्लस ए बाय जेड, ठीक है। डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया हमारे पास थ्री एक्स वाई जेड ए बाय ए वाई जेड प्लस ए एक्स जेड प्लस ए एक्स वाई, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी थ्री एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सर ये जो हमने ऊपर क्वेश्चन जो फार्मूला लिखा था, ये हमारे पास फार्मूला है एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स, ठीक है। ये हमने पूरा फार्मूला नहीं लिखा था, ये है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, दो फार्मूला हमने किए, इसके बेसिस पे हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो भी हमने अभी अभी फार्मूलाज देखे, दो फार्मूलाज, उसके बेसिस पे दो एग्जांपल्स हैं वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है ए ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। एक ट्रेन है, मान लो यहाँ पे ए पॉइंट है, ए से ट्रेवल कर रही है बी पॉइंट की तरफ, ये है बी, एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स इसकी स्पीड है ए से बी चलने पे
20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड फ्रॉम बी टू ए एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, अगर बी से ए आ रही है, ये यहाँ से इससे इस तरफ आ रही है, इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये इससे इस तरफ की, यहाँ से यहाँ आई तो इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देन व्हाट इज द एवरेज रेट फॉर द होल जर्नी, होल जर्नी की एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड हम निकालेंगे होल जर्नी की, वो हमारे पास हो जाएगी। तो ये इसमें हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, थ्री इक्वल डिस्टेंस, टू इक्वल डिस्टेंस का, एक ये आ गया इक्वल डिस्टेंस और एक ये आ गया दो इक्वल डिस्टेंस। दो इक्वल डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला था हमारे पास टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो टू हमारे पास फॉर्मूले का आ गया इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास 20 है, और वाई की वैल्यू कितनी है 30 है, डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारे पास ये वाला आंसर 24 आंसर, हमें जो वाले भी ऑप्शन में देखेगा उस वाले ऑप्शन को हम टिक कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन डिवाइड्स हिज टोटल जर्नी इंटू थ्री इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पे थ्री इक्वल डिस्टेंसेस की बात हो रही है, तो हमारे माइंड में डायरेक्टली वो फार्मूला आना चाहिए कि जो थ्री इक्वल डिस्टेंसेस वाला फार्मूला था वो याद आना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारे पास था थ्री इक्वल डिस्टेंस वाला फार्मूला, उसमें हम जो एवरेज स्पीड निकालते थे उसका जो फार्मूला था वो था थ्री एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में था ये, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है थ्री इक्वल पार्ट्स डिसाइड्स टू ट्रेवल द थ्री पार्ट्स विद द स्पीड ऑफ, फर्स्ट पार्ट में स्पीड थी 40, सेकंड में 30 और थर्ड में 15, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, ठीक है। तो इस तरीके का केस है, फर्स्ट यहाँ से यहाँ चला, इसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, सेम डिस्टेंस चला दूसरा, उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, सेम डिस्टेंस चला, उसकी स्पीड थी हमारे पास 15 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो हमने इस होल जर्नी की जो एवरेज स्पीड है वो हमने निकालनी है, तो वो निकालने के लिए ये वाला फार्मूला है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे थ्री इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 40, इंटू वाई, वाई की वैल्यू है 30, इंटू जेड की वैल्यू है 15, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 40 इंटू वाई की वैल्यू 30 प्लस वाई जेड, वाई की वैल्यू 30 इंटू जेड की वैल्यू 15 प्लस जेड एक्स, जेड की वैल्यू 15 इंटू एक्स की वैल्यू 40, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके की वैल्यू आ जाएगी, 3 इंटू 40 इंटू 30 इंटू 15, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 2250, ठीक है। जब इसको टोटल टर्म्स को सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसके ऊपर भी एक हमारे पास एक चैप्टर है कि हम प्लस कैसे करें माइनस कैसे करें, इनके अलग अलग चैप्टर हैं, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई सबको आता ही होगा डिवाइड करना, ठीक है। तो ये करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एग्जाम में भी हमारे पास कुछ 24 किलोमीटर पर आवर कौन कोई किसी वाले ऑप्शन में दिया होगा, तो वो वाला ऑप्शन हमने सिलेक्ट करके हमने आंसर टिक कर देना है, ठीक है। तो इसके साथ ही ये वाला चैप्टर जो है खत्म हो जाता है, एंड ऑफ चैप्टर, ठीक है। तो इससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इसको शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टिंग से ही वीडियो लेक्चर्स देखें, ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं इजीली समझ आ सकें। अगर आप लास्ट का वीडियो लेक्चर देखेंगे या बीच का लेक्चर देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से लेक्चर समझ नहीं आ पाएंगे और फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।